सुप्रभात बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मैं आशावरी कारंडे प्रतीक्षा नगर मराठी शाला क्रमांक 2 की तरफ से और मेरी सहपाठी तनुजा आचार्य नाडकर निपार मराठी शाला क्रमांक 4 की तरफ से आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा अब कौन सा मौसम चालू है? बारिश का बराबर। तो आपको बारिश पसंद है? हाँ, बारिश आपको हाँ। तो इस बारिश में आप क्या हाँ। करते हो? क्या करते हो आप इस बारिश में? भीगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। मगर अगर यही बारिश रौद्र रूप धारण कर लेगी तो भी हमें बारिश अच्छी लगेगी? नहीं। क्यों नहीं अच्छी लगेगी? क्यों नहीं अच्छी लगेगी वो आपको? बारिश अगर जोरों से बरसने लगेगी तो वो बारिश आपको अच्छी क्यों नहीं लगेगी? हाँ, बारिश जोरों से बरसने से सब जगह पानी ही पानी हो जाता है। हमारे घरों में पानी घुसता है, स्कूल कार्यालय बंद हो जाते हैं, इसके वजह से हमें बारिश उस वक्त अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे ही एक गांव में बारिश की वजह से बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे वक्त बच्चों ने स्कूल में जाने के लिए क्या प्रयास किया? कौन सी उन पर समस्या आई थी और उस पर उन्होंने कैसे हल निकाला, ये हम आज हमारे पाठ में जानेंगे। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। चाह जहाँ चाह वहाँ राह, यह एक कहावत है। इसका मतलब होता है कि इच्छा मिलने पर, इच्छा होने पर मार्ग मिलना। इस पाठ का हम आज चयन करेंगे। जहाँ चाह वहाँ राह, लेखिका अनुराधा मोहिनी जी ने इस पाठ में हमें कहानी द्वारा असंभव शब्द को, यानी असंभव चीजें जो होती है हमारे जीवन में, उसे कैसे सफल किया जाता है यह बताया है। अब हम जानेंगे अनुराधा जी के बारे में। अनुराधा जी का जन्म 21 सितंबर 1961 में हुआ। उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग लिया है। प्रस्तुत पाठ में अनुराधा जी ने अगर हमारी संकल्प शक्ति तीव्र होती है तो कौन सा भी असंभव काम संभव हो सकता है, यही इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है। संकल्प शक्ति, इसका मतलब होता है कि अच्छे काम के लिए बीड़ा उठाना। आगे हम देखेंगे। ऐसम्मा नाम का एक गांव था। गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। नाला 4 से 5 फीट तक बारिश की वजह से भर जाता था। नाला का मतलब होता है कृत्रिम जलमार्ग।
अगर शहर और गांव में हम ऐसे नाले देखते हैं, इस नाले का उपयोजन शहर और गांव में बरसात का जब पानी आता है और गंदा पानी जो आता है वह पानी इस मार्ग से बहता अरे हुआ नदी और समुन्द्र की तरफ जाकर मिलता है, इसीलिए इसे हम नाला कहते हैं। नाले के एक तरफ बस्ती थी, दूसरी तरफ खेती और पाठशाला थी। धुआंधार बारिश आने पर यह नाला 4 से 5 फीट तक पानी से भर जाता था। धुआंधार यानी जोरों की बारिश। एक दिन ऐसे ही धुआंधार बारिश हुई। बारिश होने के कारण नाला पानी से भर गया। विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। वहां पाठशाला में गुरुजी ने उपस्थिति लेना शुरू कर दिया था। उपस्थिति लेते वक्त गुरुजी को ध्यान में आया। उन्होंने देखा कि आज पाठशाला में बहुत सारे बच्चे कम हैं। उन्होंने बच्चों को प्रश्न पूछा कि आज कक्षा में इतने सारे बच्चे कम क्यों हैं? बच्चों ने एक साथ और एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। हाँ, आगे यह सच था कि नाला भरने की वजह से विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पा रहे थे। बारिश के दिनों में 4 से 5 फीट तक नाला पानी से भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो अपने बैलों को और गायों को साथ लेकर खेती में जाते थे। बड़े बुजुर्ग यानी कि हमसे उम्र में और अनुभव से बड़े, उन्हें हम बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और ये बड़े बुजुर्ग लोग नाला तो पार कर सकते थे, मगर बच्चे नाला पार नहीं कर सकते थे। किंतु बच्चों को नाला पार करना असंभव था। जब जब जोरों की बारिश होती थी तो उस दिन विद्यार्थियों के उपस्थिति पर असर पड़ता था। विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके कारण विद्यार्थी परेशान थे। इसके चलते बारिश की वजह से, धुआंधार बारिश की वजह से विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए वे परेशान थे। इसके चलते गांव में एक गीत प्रचलित हुआ। वह गीत इस तरह था। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम बाकी यही कहानी। इस तरह का गीत गांव में सभी जगह प्रचलित हुआ। पर बच्चे क्या करते, वह पाठशाला तो नहीं जा सकते थे क्योंकि बारिश की वजह से नाला भर चुका था। पाठशाला में अनुपस्थित रहने के कारण उनके पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट
अच्छी श्रेणी लेने वाले विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, मगर क्या करते, मार्ग असंभव था। असंभव में ही मूल शब्द होता है संभव। यही संभावना एक दिन काम कर गई। संभावना यानी कल्पना। अधिकांश बच्चे पाठशाला नहीं गए थे। बारिश की वजह से अधिकांश बच्चे पाठशाला नहीं गए थे। तो दोपहर के बाद जब बारिश रुकी तो सब बच्चे चौपाल में इकट्ठे हुए। चौपाल में इकट्ठे होने के बाद वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ देख तुषार बोला, अरे आप सब इस बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? क्योंकि इस बरगद के पेड़ में भूत है। जुई ने कहा, भूत भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? सब केवल मनगढ़ंत कहानियां है। मनगढ़ंत यानी मन से गढ़ी हुई, रची हुई कहानियां। अब जुई को ये सब बताने का उद्देश्य क्या था? कि हम पढ़ने वाले बच्चों को इन अनदेखी चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, इसलिए जुई ने उन्हें इन जैसी चीजों पर विश्वास न रखने के लिए कहा। वहां उज्ज्वला परेशान थी। उसका परेशानी का कारण था बारिश की वजह से उसकी 14 अनुपस्थितियां हो चुकी थी, इसलिए उज्ज्वला परेशान थी। इतने में शुभम ने कहा, अरे मेरी तो कुल उपस्थिति 14 है। इस बात पर सब बच्चे हंस पड़े। उन्हें हंसता देख आशीष ने कहा, लेकिन हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, क्या पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी कुछ काम न करना। मगर आशीष को तुषार ने जवाब दे दिया कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। इस बात पर दामिनी बोल पड़ी, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने हमें विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश यानी प्रयास। हमें जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो वह समस्या दूर नहीं होगी। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए। इसीलिए दामिनी कहती है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दामिनी के इस बात में विश्वास था, आत्मविश्वास था और विचार करने योग्य बात थी। सबने इस बात पर गंभीरता से
विचार करना शुरू कर दिया और फिर समस्या का हल आशीष को मिल गया। हुआ यह कि आशीष ने बच्चों को कहा कि हम उस नाले पर पुल बांधेंगे। अब ये तो बच्चे थे, उसके मित्रों को प्रश्न पड़ा कि हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नाले पर पुल कैसे बांधेंगे। इस बात पर आशीष के इस बात पर सब बच्चे आश्चर्यचकित हुए। उनका आश्चर्यचकित होना जायज था, इसलिए आशीष ने उन्हें कहा कि हम कभी शहर गए तो हमने देखा है कि शहरों में बड़े बड़े पुल होते हैं। विज्ञान की पुस्तक में हमने पढ़ा भी है कि पुल किस तरह बांधा जाता है और इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके अधिक माहिती के लिए हम इंटरनेट से यानी अंतरजाल से हम अधिक जानकारी पा सकते हैं। आशीष की यह बात सबके समझ में आ गई और उन्होंने सबने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया। सबकी सहमति से पुल बांधने का विचार गांव में जंगल की आग की तरह फैल गया। अब जंगल की आग, यानी आपने कभी देखा होगा कि जंगल में आग लगती है। आग किस वजह से लगती है? अगर बहुत जोरों से तूफान आते हैं तो पेड़ पत्ते खिस जाते हैं, उस वजह से जंगल में आग लगने की संभावना होती है और वह आग फैलती जाती है। उसी तरह अगर हम कुछ अच्छे काम का नियोजन करते हैं, आयोजन करते हैं, तो उस अच्छे काम का भी फैलाव होता है। विद्यार्थियों के इस योजना से गांव वाले खुश हुए। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रशंसा की और इस अच्छे काम को हाथ बटाने के लिए आश्वासन दिया। बच्चों ने छोटे छोटे समूह बनाकर गांव के सभी लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस पुल बनाने के लिए कौन सी आवश्यक सामग्री होती है इसकी उन्होंने क्या बनाई, पर्ची बनाई यानी कि लिस्ट बनाई। और उसके बाद पुल बांधने के लिए आवश्यक राशि जमा होने पर उन्होंने उन राशि से यानी पैसों से सीमेंट के पाइप, ईंटें, पत्थर और मिट्टी खरीदी गई, मगर मिट्टी बंजर जमीन से लाई गई। बंजर जमीन यानी जिस जमीन पर अनाज नहीं उगता उसे बंजर जमीन कहा जाता है। इस तरह सब गांव वाले और युवा विद्यार्थियों सब एक साथ इस काम को सफल करने में जुट गए। और फिर देखते देखते 15 दिनों में पुल बांधने का काम पूरा हुआ। अब हर साल की तरह बारिश आई, नाला पानी से भर गया। इस बार बच्चे परेशान नहीं थे क्योंकि पुल बांधा था नाले पर। और इस
हंसी 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 खेलते हुए पाठशाला पहुंचे। जुई ने पीपीटी दिखाते हैं। पुल का उद्घाटन का वृत्तांत बनाया, अपने बड़े भाई के मदद से पुल का वृत्तांत बनाया और संगणक द्वारा निरीक्षकों के सामने प्रस्तुत किया। तो देखा बच्चों, आज हमने इस पाठ में बच्चों के हौसले के बारे में और उनके संकल्प के बारे में देखा है। अगर हमारे हौसले बुलंद हो तो कौन सा भी कठिन सा कठिन काम आसान हो जाता है। इस पाठ में हमने देखा कि बारिश की वजह से नाले में पानी भर जाता है और विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाते थे। उन्होंने सब जनों ने मिलकर इस समस्या का हल ढूंढा और उस समस्या को दूर करने के लिए निश्चय किया। सबने एक साथ मिलकर यह काम पूरा किया और सफलता प्राप्त की। हमारे मन में कोई भी अच्छा काम करने की चाह होती है तो उसका मार्ग हमेशा मिलता है। जैसे कि आज की परिस्थिति में, यानी कोरोना की वजह से हमारी पाठशाला बंद है, मगर हमारा अध्यापन कार्य अभी भी शुरू है, क्योंकि इसके लिए हमारे अधिकारी, प्राचार्य वर्ग, शिक्षक वर्ग, इन सब ने मिलकर बातचीत करके, चर्चा करके इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। और आज हम आपके सामने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। तो देखा बच्चों, अगर हमारे मन में चाह हो तो मार्ग मिल ही जाता है। अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द देखेंगे। शब्दार्थ, धुआंधार बड़े जोर से, लांघना पार करना, असर परिणाम, प्रचलित जिसका चलन हो, संभावना कल्पना, बकवास व्यर्थ की बातें, मनगढ़ंत मन से गढ़ा हुआ, आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास, निदान समाधान, माहौल वातावरण, हल निराकरण, भांपना अंदाज लगाना, हौसला हिम्मत, राशि धन, प्रचुर अधिक, प्रयास कोशिश, उपलब्धि प्राप्ति। अब हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न पहला, कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ, सही या गलत बताओ बच्चों। गांव की बस्ती सही कहा। दूसरा, देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, सही या गलत। सही।
सही सही केवल, सही हाँ बराबर है, केवल सही 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। गलत 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 आगे, हाँ वेरी गुड। प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? किसने कहा? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। गुरु वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। बच्चों ने बच्चों ने किससे कहा? आशीष से कहा। कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा? आशीष कहा ने आशीष, कोशिश कर, किसने कहा? आशीष ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसने आशीष कहा? ने आशीष ने कहा, दामिनी दामिनी ने कहा, आशीष ने कहा या दामिनी ने कहा? दामिनी ने कहा हाँ दामिनी ने कहा। आगे, आशीष ने दामिनी आशीष ने नहीं कहा बेटा, दामिनी ने कहा। दामिनी ने कहा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दामिनी ने सब विद्यार्थियों से कहा। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, किसने कहा? यह वाक्य किसने कहा? आशीष ने। वेरी गुड, शाबाश। आगे, प्रश्न तीसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। ऐसम्बा गांव के ठीक बीचों बीच एक घना जंगल था, एक नाला बहता था, एक साधु रहता था। शाबाश एक नाला शाबाश, बहता वेरी गुड, शाबाश। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने कृषि के बारे में पढ़ा है, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है, पुल की जानकारी पढ़ी है। पुल पुल की जानकारी पड़ी है। सही 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 कहा आपने। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे, ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, ऐसे ही भीगते रहेंगे, ऐसे ही ऐसे ही चर्चा करते करते रहेंगे, करते लेंगे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आप सभी बच्चों ने अच्छी तरह से उत्तर दिए हैं। आगे, तो देखा बच्चों, आज हमने इस पाठ में जहां चाह वहां राह, इस पाठ में हमने देखा कि इच्छा होने पर मार्ग अवश्य ही मिलता है। वैसे ही आज हम कोरोना की परिस्थिति यानी बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई है। स्कूल बंद है, फिर भी हमारा ज्ञान बांटने का काम चालू है। तो कोरोना एक ना एक दिन जरूर जाएगा, इस विश्वास पर हम आगे बढ़ेंगे। और अगले सप्ताह में हम इसी वक्त एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।